बनाई थी, जो वीडियो डाली थी, उसका मैं आज लॉन्ग कुर्ती बना रही हूँ। तो मेरी लंबाई है फ्रेंड्स 15 इंची, तो मैं 1 इंची प्लस कर लूँगी। ये देखिए 1 इंची प्लस कर लिया है। उसके बाद शोल्डर है मेरा 13 इंची, तो मैं 6.5 ले लूँगी फ्रेंड्स। इधर मैं 5.5 लूंगी। और चेस्ट है फ्रेंड्स 28, 28 का 4 भाग किया तो 7 आ गया। 1/2 इंची की लूजिंग रखूंगी और 2 इंची की कटिंग रखूंगी फ्रेंड्स। इधर से हम कमर की, छोटा बच्चा है तो हम 12 पे देंगे कमर की लंबाई। कमर 26 है तो 6.5 आ जाएगा, 4 भाग, 1/2 इंची लूजिंग के लिए है फ्रेंड्स। और हिप उसकी 28 है तो वो भी हमारी 28 हो गई, और 1/2 इंची लूजिंग के लिए और 1 इंची फोल्ड के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें कमर की लंबाई 10 रखूंगी, क्योंकि ये ब्लाउज टाइप है। यहाँ पे जो डॉट आता है यहीं पे मैं, बच्चे का भी है, कमर रखूंगी। तो मैं ये 26 है फ्रेंड्स, कमर की जो कमर जो मेरी है वो 26 है। तो 26 का 4 भाग किया तो 6.5 आ गया फ्रेंड्स। और उसके बाद मैं 1/2 इंची जमा करूँगी और 2 इंच मैं कटिंग के लिए रखूँगी फ्रेंड्स, 1/2 इंच की लूजिंग रखूँगी। और फिर मैं हिप के लिए फ्रेंड्स 14 के करीब रखूँगी, 13 भी रख सकती हूँ। वैसे तो 13 पे कमर रखते हैं फ्रेंड्स, मगर ये मैं ब्लाउज टाइप कुर्ती बना रही हूँ तो इस टाइप से बनाऊँगी। तो मेरी हिप भी 28 ही है तो 7 हो गया 4 भाग, और 1/2 इंच की लूजिंग हो गई फ्रेंड्स, और 1 इंची कटिंग के लिए हो गया और 1 इंची फोल्ड के लिए हो गया फ्रेंड्स। ये देखिए अभी हम क्या करेंगे, इसको सभी डॉट्स को मिला लेंगे, जो भी हमारी 1/2 इंची लूजिंग के साथ है उनको। ये देखिए इस टाइप से फिर हम इस, ये जो कटिंग का मैंने जो निशान लगाया है उसको भी मिला लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से। अब हम टोटल जितना हमारा इधर आ रहा है उतना ही हमारा नीचे आना चाहिए फ्रेंड्स, जिससे कि हमारी फिटिंग बराबर आए। तो मैं ये 9 रखूँगी और इसको मैं स्ट्रेट लाइन रखूँगी। ये मेरे फोल्डिंग के लिए है फ्रेंड्स। ये देखिए अब हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कैसे मैंने ग्राफ लगाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा दोनों पीस कट गए हैं, फ्रंट और बैक। अब हम दो एक पीस को निकाल लेंगे, फ्रंट के को और आगे की कटिंग करेंगे। ये देखिए ये मेरी कटिंग हो गई है कुर्ती की, ये दोनों पीस हो गए फ्रेंड्स। अब हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बैक साइड का गोल गला बन के रेडी हो गया है। इसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और ये मैंने गोल गले की बहुत बारी बनाई हुई है इसलिए मैंने नहीं बनाई। आपको मेरी पीछे वाली वीडियो को देखकर बना सकते हैं। और मैं शोल्डर ज्वाइंट करूँगी फ्रेंड्स थोड़ा जल्दी की वजह से, क्योंकि मेरी वीडियो सभी वीडियो बहुत लंबी हो जाती हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये अटैच कर लिए हमने। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें प्लेटो डाल लेती हूँ। प्लेटो से क्या होता है कि फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये मैं दोनों साइड डालूँगी फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने दोनों साइड निशान लगाए हुए हैं, तो बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों में डालना चाहती हूँ। तो ये देख लीजिए, आपकी मर्जी है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी, मगर डालने से बहुत सुंदर लगता है। इससे ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, क्योंकि बच्चों की कमर और हिप्स बराबर के ही होते हैं। इससे हल्का सा फिटिंग का पता चलता है, इसलिए डालना चाहिए फ्रेंड्स। और वैसे आपकी मर्जी है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। कई लोग, काफ़ी लोग नहीं डालते हैं बच्चा समझ के, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए। ये मैं 10.5 रखूँगी स्लीव्स, मोरी इसके लिए 5.25 का निशान लगाऊंगी, ये देखिए, और पक्का करके सिल लूँगी फ्रेंड्स। ये देखिए, एक बार फिर से सिलूँगी और फिर दोनों स्लीव्स का सिलाई का ध्यान रखते हुए, मिलाते हुए सिलाई कर लूँगी। ये हिप्स तक ही सिलना है फ्रेंड्स, दोनों को बराबर रखना है। अब इधर हम एक दो फिटिंग का निशान देंगे। तीन सिलाइयां लगाऊंगी फ्रेंड्स, जैसे कि मैं लगाती हूँ हर किसी में ही। दूसरे साइड भी इसी तरीके से सिल लेंगे। ये देखिए, पहले मोरी पे निशान लगाएंगे, वही सेम 5.25 का, फिर दोनों को मिला के और सिलाई का निशान देख लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरीके से फिर से चेक कर लेंगे, थोड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बराबर है। अब हम सिल लेंगे, पक्के करेंगे फ्रेंड्स, दोनों पीसों को मिलाते हुए। इसमें भी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। चाक की सिलाई करेंगे, जैसे हम सूट में करते हैं फ्रेंड्स, उसी टाइप से करनी है। इसमें भी कुछ नहीं है, सेम जैसे हम सूट सिलते हैं और चाक बनाते हैं, सेम जितना हमारा चाक में फोल्ड करना है उतना फोल्ड करेंगे। बस इसमें हमें सिंगल सिलाई लगानी है, इसमें डबल नहीं लगानी है, इसमें सिंगल सिलाई लगाते हैं फ्रेंड्स। से भी फोल्ड करेंगे, ये देखिए किस तरीके से फोल्ड करना है, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स।
थोड़ा सा पतला करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से बन के रेडी हो गए हैं। धागे कट कर लेंगे और दूसरे साइड सेम ऐसे पकड़ते हुए, ये देखिए पहले हम पकड़ लेंगे, फिर हम इधर से इसका निशान लगाएंगे फोल्ड का, कितना कपड़ा फोल्ड होता है ये देखिए। ये मैंने मार्क कर लिया है, ये थोड़ा सा मेरा एक्स्ट्रा लग रहा है फ्रेंड्स, तो मैं इसको कट कर लूंगी और इसको फोल्ड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स अभी हम इसको भी फोल्ड कर लेंगे। जितना मेरा मार्क लगा हुआ है उतना ही फोल्ड करना है। धागे कट कर लेंगे फ्रेंड्स और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी कट। तो फ्रेंड्स ये देखिए आज जो मैंने लॉन्ग कुर्ती सिली है बच्चे की लहंगे के ऊपर, जो मैंने लास्ट वीडियो लहंगे का डाला था उसी का ही कुर्ती सिली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं किस टाइप से सिली हूँ फ्रेंड्स।